बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चोर हमेशा कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है। फिक्स मैच में चोर बहुत बड़ी निशानी छोड़ गया है। आपको दिखाता हूँ कि क्या निशानी इन्होंने छोड़ी है और फिर आपको बताता हूँ कि चोरी ऊपर से सीना जोरी क्या की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में हमने बड़े बड़े मुतनाज़िया जज देखे हैं, मुतनाज़िया फ़ैसले भी देखे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाए गए फ़ैसले भी आवाम के सामने हैं, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि एक केस इतना भोंडा है कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड जज भी उसको काबिले समात करार नहीं दे पा रहा। एक बार उसको काबिले समात करार देने वाला फ़ैसला कलदम करके वापस भेज देते हैं हमायूं दिलावर के पास, वो फिर दोबारा दूसरी बार उसको काबिले समात करार देता है। आज फिर उस फैसले का जो काबिले समात होना है उसको कालअदम करार दिया है, लेकिन वापस उसी जज के पास भेज दिया है। अब वो तीसरी बार अपने ही फैसले को दुरुस्त करार दे देगा। क्या ऐसे इंसाफ की कोई मिसाल मिलती है? क्या कभी किसी ने अपने फैसले को गलत भी कहा है? हमेशा निचली अदालत फैसला करती है और हाई कोर्ट उसके ऊपर रिलीफ देती है या उसकी तौसीक करती है। यहाँ पे इस फैसले को कालअदम करार देने के बावजूद वापस उसी जज को भेज दिया गया है। मैं आपको इनकी बड़ी चोरी और बड़ी गलती दिखाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। जज हमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट पाकिस्तान में बच्चे बच्चे ने देखी, रिकॉर्डेड स्क्रीन की भी और स्क्रीन शॉट्स की भी। उसने बाद में अकाउंट लॉक करके डिलीट कर दी। कहा जा रहा है कि FIA ये इन्वेस्टिगेशन करे हमायूं दिलावर की ये जो पोस्टें वगैरह लगाई गई हैं। जिसने भी, मतलब ये है, मैं नटशेल में आपको बता रहा हूँ, अब सब की तहकीकात की जाए और इस कोर्ट को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए। यानी जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स लिए, जिन्होंने इसको फैलाया, जिन्होंने इस पे बात की, जिन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, इन सब को मुजरिम करार दे दिया है और कहा है कि सब का पता लगवाएं कौन कौन इसमें शामिल है और हमें आकर जल्दी से लिस्ट दें। यानी बेचारे जो सोशल मीडिया के लोग भी हैं उनको भी FIA उठाएगा जिन्होंने ये शेयर किया। इमरान खान को बीच में फंसाया जाएगा और उनकी वकला की टीम को फंसाया जाएगा जिन्होंने इस पर बात की या रिलीफ लेने की कोशिश की। तो ये होती है चोरी ऊपर से सीना जोरी कि हमने इमरान खान के बुग्ज में पहले फेसबुक पे नफरत अंगेज पोस्ट की, बाद में अपनी ही FIA से अपने हक में फैसला करवाया, कोई तहकीकात नहीं करवाई, फेसबुक से सवाल नहीं पूछा गया कि आपके पास मौजूद है ये डाटा 90 दिन तक क्या आपके पास होता है, हमें बता दें अगर ये है। और अब उन्हीं लोगों को जो बेचारे मजलूम हैं जिनके खिलाफ ये सब हुआ उन्हीं को फंसाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। ये है जज आमिर फारूक का असल चेहरा। नाज़रीन कराम, चोर हमेशा कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है और ये हम बचपन से सुनते आए हैं। तो इस बार चोर ने क्या निशानी छोड़ी है? फैसले में लिखा है कि टुमारो को 4 अगस्त लिख दिया है। मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ पढ़ के कि ये कैसे एक बड़ी निशानी है। इसके लिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा। ऊपर लिखते हैं कि मैटर इज रिमांडेड द कोर्ट फॉर डिसीजन अफ्रेश। यानी यह मामला नए सिरे से फ्रेश डिसीजन देने के लिए निचली अदालत को रिमांड किया जा रहा है। इस अदालत को बताया गया था कि यह फैसला फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए कल 4/8/2023 के लिए पेंडिंग है। मतलब आज 4 है लेकिन ये उसको कह रहे हैं कल 4 अगस्त 2023। इससे एक चीज साबित होती है जो आपको अभी बताता हूं। ये फैसला कल लिख दिया गया था या लिख के आमिर फारूक को दे दिया गया था और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। तो आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? फैसला तो कल ही लिखा जाना था, महफूज कल ही हुआ था, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये फैसला जब कल लिख दिया गया था तो जारी क्यों नहीं किया? जारी ना करने पर असल मसला आके फंसता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज मामला लगाया हुआ था। कल अगर ये फैसला शाम को जारी हो जाता तो आज सुप्रीम कोर्ट बजाय इसके कि इसको डिस्पोज ऑफ करता इसकी अपील सुन लेता और सुप्रीम कोर्ट ने मोस्ट डेफिनेटली स्टे दे देना था इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट फाइनल जगह होती है और वहाँ पे ये ज़्यादा रेलियंसी दिखाई जाती है। जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत लीनियंट होते हैं, नरमी दिखाते हैं कि ये फाइनल फोरम है, देख लिया जाए हर चीज़ को। फिर एक और कार्रवाई डाल दी गई है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार किया गया कि हफ्ता एतवार है, सुप्रीम कोर्ट तो खुलेगी नहीं और अब अपील हो नहीं सकेगी। जज को कह दिया गया है इसी में कि आप अब सुने फाइनल आर्गुमेंट और उसके साथ ही डिसाइड कर दें। और इमरान खान को ताकीद कर दी गई है कि अपना मामला सही तरीके से जज के सामने पेश करें। यानी अब आपने ये नहीं कहना
कि हम दलाइल नहीं देंगे बल्कि दें दलाइल। तो बेसिकली ये रिपीट टेलीकास्ट है जो इमरान खान के साथ अप्रैल 2022 में किया गया था कि इमरान खान के हाथ पांव बांध के इनके आगे फेंक दिया था कि अब तो होगी वोटिंग। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि कल ही दलाइल होंगे, कल ही फैसला होगा और कल ही इमरान खान ने फाइनल आर्गुमेंट भी उनके वकील ने करने हैं ताकि हुमायूं दिलावर कल फैसला सुना दे। यानी एक दिन का भी गैप नहीं डाला गया, जबकि जज ये भी कह सकता था हम ये वापस भेज रहे हैं, पहले जज साहब इसका फैसला दें। अगर यूं कह देते तो फिर बाद पहले के बाद वकला टाइम अमूमन गेन कर लेते हैं और शायद ये टल जाता और मंडे तक बात चली जाती। अब हुआ क्या है, जज साहब ने इसी केस में जो हक के दिफा खत्म किया था हुमायूं दिलावर ने वो अगले हफ्ते लगा लिया है। कभी ऐसा हुआ है तारीख में कि एक बड़ी अदालत में केस अगले हफ्ते के लिए लगा हो और छोटी अदालत उससे पहले फैसला सुना दे? लेकिन यह भी होने जा रहा है। आमिर फारूक ने हर वो काम किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट तक मामला ना जा सके और इमरान खान कोई रिलीफ ना ले सके, क्योंकि टास्क इनको यही दिया गया है। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आगे अपना काजी आने वाला है और अब तकरीबन एक महीना और 10-12 दिन रह गए हैं, तो इनको ये लगता है कि जब यहाँ से सजा होगी तो आगे तो आमिर फारूक बैठा है, वो फिर दबा के बैठ जाएगा और इस दबाने पे सुप्रीम कोर्ट से कोई फर्दर रिलीफ भी नहीं मिलेगा। और बंदियाल साहब ने भी कौम को बता दिया है कि लेटने वाला मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, बल्कि अगर याह्या अफरीदी चाहते तो इस केस को कंटिन्यू कर देते डिस्पोज ऑफ करने की बजाय कि हाई कोर्ट का फैसला आने दे, उसके बाद हम देख लेंगे इसको, और ये जारी रहती समाप्त तो ज्यादा अच्छा था, फिर निचली अदालत के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता। लेकिन वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया तो बजाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि साजिश में शामिल सारा जहान है, इस साजिश में तमाम दुनियावी कुव्वतें शामिल हैं। अल्लाह ताला के फैसले क्या हैं ये हम नहीं जानते और आखिरी फैसला अल्लाह ताला का ही नाफिज होगा। वक्ती तौर पर कई बार पीछे हटना पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है, कई बार नाजायज जेल में भी जाना पड़ता है। बड़े बड़े लीडरान दुनिया में गए हैं लेकिन जब वो बाहर आए हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा मकबूल और पहले से भी ज़्यादा बड़े लीडर बनकर आए हैं। इमरान खान को सामने से हटाना है, मंजर से, ताकि नवाज शरीफ जब आए तो यकतरफा बयानिए में नवाज शरीफ की मजलूमियत मासूमियत उस पर जुल्म का तज़किरा करके कोई अवामी माहौल बनाने की कोशिश की जाए। जबकि पिछले 6 माह से यकतरफा इमरान खान मुखालिफ बयानिया तो चल रहा है, इससे पहले फिर भी मीडिया को थोड़ी सी आज़ादी थी, लेकिन एक बड़ी तब्दीली के बाद ये आज़ादी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। और तकरीबन पिछले 8 महीने आप कह लें कि इमरान खान के खिलाफ यकतरफा बयानियां चल रहा है मीडिया पर। इसी तरह नैब ने कल 11:30 बजे इमरान खान को तलब कर लिया है। इस दौरान एक्सपेक्टेड है कि हुमायूं दिलावर भी दलायल सुन के फैसला सुनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल ही उसकी फ्लाइट है और उसने जाहिर है शाम होने से पहले पहले फैसला सुनाना है। तो एक तरफ नैब ने इस्लामाबाद में तलब कर लिया है, फिर भी वही स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है कि अगर इमरान खान आते हैं तो यहीं से उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाए और दोबारा उनके घर जाके पुलिस को गिरफ्तारी ना करनी पड़े। कोशिश तो जाहिर है यही है स्क्रिप्ट राइटर्स की, ये हो पाता है या अल्लाह नहीं, ये अल्लाह ताला को पता है, क्योंकि कई बार इंसान करना कुछ चाह रहा होता है लेकिन क्योंकि उसका कुन नहीं हुआ होता तो फैसला लिखना भी आसान नहीं होता। अगर फैसला महफूज हो जाता है लेकिन सुनाया नहीं जाता और बात मंडे पर चली जाती है तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर रही है, उसके वकला को अप्लाई कर देंगे और हो सकता है कि उसी दिन सुन लिया जाए, क्योंकि अर्जेंट मैटर होगा, फैसला महफूज हो चुका होगा, अभी सुनाया गया नहीं होगा, और जब तक सुनाया ना गया हो मेरे ख्याल में फिर भी इसका चांस होता है। दूसरी जानब हाई कोर्ट में भी क्योंकि नोटिस कर दिए गए हैं कि ये जो केस है इसमें हक़ दिफा को वाकई ख़त्म किया गया या नहीं, इस पे भी समाअत शुरू हो जाएगी, सो मामलात फिर बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, इतना सारा अरेंजमेंट इसलिए नहीं किया गया कि कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा। 99.99% चांसेस हैं कि कल फैसला हुमायूं दिलावर सुना देगा। देखते हैं कि अवाम का इसके बाद क्या रिएक्शन आता है और क्या हुमायूं दिलावर अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो पाता है या नहीं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।